याली मदद तो कहता है लेकिन अकली तौर पर इसका अकीदा पुख्ता नहीं है। फिर कहता है याली मदद कहता हूं तो अली मदद क्यों नहीं करते। भाई कैसे करेंगे जब तुम्हारा अकीदा पुख्ता नहीं होगा। इब्राहिम के लिए आग गुलजार बन सकती है, तुम्हारे लिए नहीं बन रही। इतने उलमा गुजरे, उनको इमामों की ज़ियारत हुई, शफा मिली, हमें नहीं मिल रही। हम अली के दर पे जाते हैं, मांग मांग कर थक जाते हैं। ये नादिर शाह का वाकया तो याद रखिए, नादिर शाह अली वाला नहीं था। इसने जब मौला रजा की जरी को देखा, इसने कहा ये कौन है, कहा ये नवासे रसूल है। तो हिंदुस्तान जा रहा था, वहीं पर इसने कहा कि अगर आप नवासे रसूल हैं और लोगों को हाजतें देते हैं, तो अगर मैं हिंदुस्तान को फतह करके आया और मुझे फतह मिली तो वहां के जितने भी मुझे इनामात मिलेंगे और वहां की जितनी गनाइम मिलेंगे मैं आपके हरम को दे दूंगा। इसको फतह मिली, वापस आया, सारे गनाइम मौला को दिए, आज भी इमाम के म्यूजियम में मौजूद हैं। फिर कोई वक्त आया, इसने कहा जब बेटे की ये शान है तो अमीरुल मोमिनीन की क्या शान होगी। तो वहां से चला नजफ के लिए। जैसे नजफ पहुंचा, मौला का रोजा सामने है, घोड़े पर सवार है, साथ में सारे उलमा हैं, बरेलवी भी हैं, हनफी भी हैं, सारे मकातिब फिक्र के उलमा इसके साथ थे। इसने पूछा, वो बेटे का कमाल था, ये बाप का रोजा है, जाऊं तो कैसे जाऊं। तो इसने कहा अदब तो ये है कि मैं घोड़े से उतर के जाऊं। कुछ ने कहा नहीं, अलियाज़ बिल्ला मर गए हैं, मुर्दा की खबर है, इतना एहतराम तो बनता नहीं है, आप घोड़े पे भी जा सकते हैं, बादशाह सलामत हैं। शियों ने कहा नहीं क़िबला, ये कैसे हो सकता है, अली का रोजा है, एहतराम करना चाहिए। इसने कहा करूं तो क्या करूं, कहा दो ही चीजें तो भेजी हैं, किताब और नूर, का फैसला किताब से लेते हैं। इस्तखारा निकालो, मुझे अली के पास कैसा जाना चाहिए। इस्तखारा भी उससे निकलवाया जो कहता था ऐसे ही जाइए। उसने इस्तखारा निकाला, कुरान की पहली आयत जो आई वो आयत ये थी, ऐ मूसा इन्नका फिल वादिल मुकद्दस तुआ फखला अलैक। ऐ मूसा तू वादी मुकद्दस तुआ में है, जूतियां उतार के इस वादी में दाखिल हो जा। इसने कहा अब तो पैदल नहीं जाऊंगा, जूतियां उतार के जाऊंगा, अब घोड़े से उतर। आज भी बाज अरबों में एक रस्म आप देखते हैं, और ईरानी भी बाज काम करते हैं, सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन गालिबन ये नादिर शाह से निकली। इसने कहा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं और गुनाहों ने मुझे हैवान बना दिया है। तो उसने कहा मैं अली के पास भी एक हैवान की तरह जाऊंगा और जरी को पकड़ के दुआ करूंगा जब वापस आऊं तो इंसान बना के वापस भेजें। तो ये चार हाथ पांव जमीन पर रखकर जिस तरह हैवान चलता है, घुटनों के बल अली की जरी तक गया, दुआ मांगी, फिर अपने पांवों पे चलकर वापस आया। जब मौला के सहन में पहुंचा, इसने देखा बहुत सारे मरीज और बीमार सहन में बैठे हुए हैं। इसने इनको बुलाओ, क्यों बैठे हैं, कहा क़िबला बीमार है, शफा लेने के लिए आए हैं, कब बुलाया जाए। एक को बुलाया गया, कहा भाई क्या मसला है, कहा आंखें खराब हैं, कितनी देर से बैठे हो क़िबला, दो हफ्ते से बैठा हूं। दूसरे को बुलाया, क्या मसला है, कहा कमर का मसला है, कितनी देर से बैठे हो, कहा क़िबला मुझे एक महीना हो गया। किसी और को बुलाया, कोई लंगड़ा था, कोई लूड़ा था, कोई बीमार था, कोई परेशान था। नादिर शाह को बड़ा गुस्सा आया, कहा इतने दिनों से बैठे हो, अली ने कुछ नहीं दिया, क़िबला मांग ही रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है। इसने कहा शाम तक का वक्त देता हूं, अगर ठीक हुए तो ठीक, वरना मेरी तलवार तुम सबको ठीक करेगी। अब बादशाह था, जाबिर था, और सिपाहियों को कहा कि अली के हरम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई इनमें से भाग ना पाए। दरवाजे बंद कर दिए गए, ये तो चला गया, अब मरीजों पे बड़ा हशर नफर बवा हो गया। कब भाई क्या होगा, ये बादशाह है, ये जालिम है, अब आएगा सबकी गर्दनों को काटेगा। अब वो बिलबिलाने लगे कि या अली अब शफा दे दे, अब शफा दे दे, या हरम से निकाल दे, शफा भी नहीं मांग रहे, मौला ठीक कर दे, किसी तरह से हमें बचा ले। अब ये रोने लगे। रात हुई, नादिर शाह जब हरम में वापस आया, जिसकी आंखें सही नहीं थी उसे बुलाया, अली ने उसे आंखें अता कर दी, जिसको कमर का मसला था वो मसला हल हुआ, जिसकी जो बीमारी थी वो बीमारी हल हो गई। तो नादिर शाह ने कहा लोगों, अली के देने में कमी नहीं थी, तुम्हारे लेने में और मांगने में मसला था। अगर पहले दिन से ऐसे मांगते जैसे तुमने आज मांगा था तो अली इब्न अबी तालिब तुझे अता कर देते। तो मसला तर्ज़े मांगने का है कि हम मांगते कैसे हैं, उनकी अता में कमी नहीं है। मसला ये नहीं कि अल्लाह देता नहीं है, मसला ये है कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं,
آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہے. جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی, یہ جو نقلی عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ, میں سنی اس لیے کہ میرا باپ سنی, میں حنفی اس لیے کہ میرا باپ حنفی, یہ عقیدے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں. اگر والد شیعہ ہے تو شیعہ ہے, یہ شکر الہی کی نوبت ہے. اللہ کا شکر کرو خدا شیعہ گھر میں پیدا ہوا, لیکن اپنے عقائد پر ریسرچ کرو. اگر خدا ہے تو کیسا ہے, اگر کریم ہے تو کیسا ہے, اگر نبی ہے تو نبوت کا عقیدہ کیسا ہے, اگر امام ہے تو امامت کا عقیدہ کیسا ہے. جب تک عقائد کو اپنی عقل سے نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح بن جاؤ گے جو کاپی کر کے پیپر آتا ہے, باہر جب سوال کیا جائے گا اس کا ذہن بالکل خالی ہے, لیکن جو پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے وہ پیپر حل کر کے بھی آئے گا, اور باہر جب آئے گا جب اسے دوسرے اسٹوڈنٹ پوچھیں گے کہ سوالات کیا تھے, وہ دوسروں کو حل بھی کروا سکتا ہے. ہمیں ایسا شیعہ بننا ہے, اپنے لیے بھی مسئلہ حل ہو, دوسروں کے لیے بھی ہم کیا کریں, مسائل کو حل کریں. کہ فرمائے من احیاها فکانما احیا الناس جميعا, جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا اور پختہ عقیدہ ہو جائے گا. اب مولا فر قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا, اور مولا سے پوچھا گیا مولا یہ زندہ کرنا کیسا ہے, فرمایا جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی. یہ کون کر سکتا ہے جو خود ہادی ہو؟ خمینی ایک تھا لیکن پوری کائنات میں شیعت کو پھیلا دیا, کیونکہ اس نے خود سمجھا تھا. دوسروں کو سمجھانے میں بھی آسانی تھی, مسئلہ یہ کہ ہم نے خود نہیں سمجھا تو دوسروں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ہم ایک زیادہ شیعہ اپنی پوری زندگی میں نہیں بنا سکتے. میں پورے پاکستان جاتا ہوں, کچھ ایسی ایسی بستیاں مجھے نظر آتی ہیں کہ پورے اطراف کے گاؤں وہ ہیں جو شیعوں کو کافر مانتے ہیں, ہمارے خون کے پیاسے ہیں. بیچ میں ایک گاؤں ایسا ہو جو سارے علی والے ہیں, تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ اطراف میں سارے دشمن ہیں, بیچ میں علی والا, یہ علی والا کیسے بنا؟ یقیناً وہاں پہ کوئی ایسا علی والا گیا ہوگا.